अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अच्छा आज ना हम पैरेट्स को डाइट फूड देने लगे हैं। इनकी डाइट में मैं मम्मा को दे दो जी, मम्मा को दे दो, जाके जाओ। अच्छा इसकी इनकी डाइट्स में ना हम लोग फ्रूट्स और वेजेस शुरू करने लगे हैं। तो फ्रूट्स में हमने डाला इनको आड़ू, केले, और वेजीज में हमने खीरा और साथ में टमाटर डाला हुआ है। तो ये फ्रूट्स और वेजीज खाते नहीं है, ज़्यादातर ये लोग अपना दाना ही खाते हैं जो इनका मिक्स बाजरा होता है। तो अब हम इनको फ्रूट्स और वेजीज भी देने लगे हैं, होप्स हो कि ये शुरू कर दें खाना। इनको मैंने सुबह को जो पुदीना होता है वो डाल के दिया था, तो पुदीना तो ये खा गए थे लेकिन वो भी इतना शौक से नहीं खाते। तो मैं अभी इनको डालने लगा हूँ फ्रूट्स और देखते हैं कि वो ये लोग खाते हैं या नहीं। तो यहाँ से उठा लेता हूँ और यहाँ पे मैंने रख दिया है। इसको पिंजरे से साइड पे कर दे, इसको थोड़ा सा दरमियान में करके रखना पड़ेगा क्योंकि ना ये फिर मसला ये है कि चूंटियाँ कहीं से भी चढ़ सकती हैं। तो इसको साइडों से ना थोड़ा सा दूर रखता हूँ ताकि चढ़ें भी तो नीचे से चढ़ें, और फिर बीच में पानी डाला हुआ है तो पानी की वजह से ना इसके अंदर नहीं जाएंगी, इसके इनके खाने पे नहीं जाएंगी। अभी ये सूखा है ना तो इसमें आराम से वो आ जाती हैं, क्या कहते हैं, चूंटियाँ वगैरह। तो इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि वो पानी देख के ना साइड पर हो जाए। अच्छा एक्वेरियम से रिलेटेड आपको अपडेट दे दूँ, एक्वेरियम में ना मैं दो फिल्टर लेके आया हूँ क्योंकि ना इसमें पानी के ज़रात मुझे नज़र आ रहे थे, तो मैं बिल्कुल प्योर करने के लिए ना तो ये फ़िल्टर लेके आया था। ये अगर आप गौर से देखो ना, अब इस पर ना थोड़ी सी डस्ट जमा हो रही है, तो ये डस्ट ना पहले पानी में फिर रही थी काफ़ी ज़्यादा, तो इसके लिए मैं ये फ़िल्टर लेके आया था। इसको कहते हैं स्पॉन्ज फिल्टर। इसमें ना काफ़ी तरह के फ़िल्टर मिलते हैं, एक होता है पावर फिल्टर, वो बबल्स भी क्रिएट करता है, इसके अंदर ना ऑक्सीजन रहती है। लेकिन ये पावर, ये स्पॉन्ज फिल्टर है, इसका स्पॉन्ज फिल्टर का काम ये होता है कि पानी को साफ करना है, ठीक है। वैसे तो बैक्टीरिया खुद भी पानी को साफ़ कर देता है, जो इसका बैक्टीरिया होता है, एक थोड़े दिन रखो ना तो ये पानी ऐसा ऐसा खुद ही साफ हो जाता है। लेकिन मैं और ज़्यादा क्लीन करने के लिए ना इसको फ़िल्टर को लेके आया हूँ। यहाँ से पहले इसके ये झूले चलते थे, अब ये झूले में से मैंने पाइप निकाल के ना इसके फ़िल्टर में डाल दिया और झूले बंद हो गए हैं, तो झूले ऐसे स्टेबल रहेंगे और ये चलता रहेगा। क्योंकि इसके अंदर ना एक पाइप है, ये जो टावर था ये भी मैं एक नया लेके आया हूँ। याद है पहले सिर्फ इस इधर था, इस साइड पे नहीं था पिछली वीडियो में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखो जाके। तो अभी मैं इसका ये एक और लेके आया हूँ टावर, इससे ये होता है कि पाइप छुप जाता है, वो बुरा नहीं लगता। सबसे मेन चीज़ होती है एयर पम्प, इसका जो एयर पम्प चल रहा है ना उसमें दो नोज़ल्स हैं, ठीक है। हर नोज़ल ना इतनी कैपेसिटी रखता है कि दो चीज़ों को चला सके, दो नोज़ल हैं तो इसमें एक्वेरियम में चार चीज़ें चल सकती हैं, ठीक है। अभी ये चार चीज़ें कौन सी चल रही हैं, दो प्लेट फिल्टर चल रहे हैं। प्लेट फिल्टर ये काम करते हैं कि ऊपर की जो भी मैल होती है ना वो नीचे आती है और नीचे ये बजरी में इकट्ठी होती रहती है। अभी हम बजरी को हिलाएंगे ना, इसमें से काफ़ी ज़्यादा कचरा निकलेगा। प्राइस इसलिए होती है कि एक तो ये प्यारी भी लगती है चलते हुए, और दूसरा ये इसी तरीके से जैसे ऑक्सीजन यहाँ से ऊपर जा रही है, टॉय में से भी ऑक्सीजन निकलती रहती है, तो वो थोड़ा सा ना फासले फासले पर रख के ना आप पूरे एक्वेरियम को ऑक्सीजन प्रॉपर भेज सकते हो। तो मैंने यहाँ से ऑक्सीजन हटा के इस फिल्टर में ऑक्सीजन कर दिया है। अब ये फिल्टर दो काम कर रहा है, एक तो ऑक्सीजन भी लेके जा रहा है और दूसरा ये जो मैल है ना वो उसको यहाँ पे इकट्ठा कर ही जा रहा है, जो ये आपको नज़र आ रही है। बाकी जहाँ तक हमारी फिशेस की बात है, फिशेस फुल मज़े में हैं भाई, उनको कोई भी टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हो गई हैं, इस माहौल में ढल चुकी हैं और सारी माशाल्लाह से एक्टिव हैं। कोई भी ऐसी नहीं है कि छुप के बैठी हो या एक जगह पर रुकी हो, सारी एक्टिव फिर रही हैं। अच्छा मैंने लास्ट वीडियो में आपको इन दो फिशेस का नाम बताने को कहा था, बड़ी वाली का, तो मुझे एक कमेंट आया है जिसमें बताया हुआ है कि चिंकी मिंकी नाम रखते हैं, तो चिंकी मिंकी मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है। आज से हम इन दोनों फिशेस को बुलाएंगे चिंकी मिंकी, ठीक है। अब ये तो नहीं पता कि मेल है या फीमेल है, क्योंकि इसका DNA या इसका ना बहुत मुश्किल से पता लगता है। कुछ फिशेस की जो किस्में होती हैं ना उनमें तो पता लग जाता है क्योंकि वो कलर डिफरेंस से पता लग जाता है कि ये मेल है और फीमेल है, लेकिन बाकी फिशेस का नहीं पता लगता कि मेल है या फीमेल है। हाँ एक काफ़ी सारी एक ही तरह की लोग तो वो ब्रीडिंग करती रहती है क्योंकि उसमें से कुछ मेल होती हैं कुछ फीमेल होती हैं, लेकिन अगर आप दो पीस ले रहे हो या पेयर ले रहे हो या एक पीस ले रहे हो तो आपको नहीं पता लगेगा कि वो मेल है या फीमेल है। पर एक और चीज़, अभी मैंने ना इनको खाना भी डालना है,
तो मैंने इनका खाना ना ऑलमोस्ट 9 बजे फिक्स कर रखा है। तो अभी 7 बज रहे हैं, हम 9 बजे इनका खाना देंगे, क्योंकि अगर अभी जल्दी दे दिया ना तो इनका ना इनकी रूटीन नहीं बनेगी, तो एक रूटीन में ना इनको फिक्स रखना है। तो कुछ लोग ना तरस खा के बहुत ज़्यादा इनको खाना दे देते हैं कि भाई थोड़ा सा खाएंगे तो इनका क्या बनेगा, लेकिन असल चीज़ पता क्या होती है कि आपको थोड़ा सा ही देना है। आप अपने हिसाब से तो कह रहे हो कि बहुत थोड़ा सा है, एक चुटकी से इनका क्या बनेगा, लेकिन ना एक अनिल कपूर का सॉन्ग है 1, 2 का 4, तो वो वाली लाइन याद रखो कि एक मछली को 2 दफ़ा 4-4 दाने देने हैं आप लोगों ने। तो क्योंकि अगर आप इनको देखो ना, ये बिल्कुल पतली सी है, इसका ना इंटरनल भी नज़र आ रहा है इस मछली का, तो आप देखो तो इसके अंदर इतना जगह ही नहीं है कि 4 दानों से ज़्यादा एक बार में जा सके। इसी तरीके से छोटी तो और भी ज़्यादा छोटी होगी, उसके अंदर 4 दाने ऐसे है कि बहुत आपने भर दिया है इसका, इसके दाने बहुत बारीक से होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। और जहाँ तक खाने की बात है ना, तो ये ब्लैक वाली जो है ना वो खाने में बहुत ज़्यादा ढीली है, ये एक ही दाने के पीछे पड़ी रहती है। जितनी देर में ना ये बड़ी वाली मछली काफ़ी सारा खाना खा लेती हैं, जो कि इनके लिए सही भी नहीं है, लेकिन क्या करें, अब सारी इकट्ठी रखी हुई है तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एक आधी तो भूखी रहेगी, लेकिन उसको अगले दिन फिर खाना मिल जाता है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता ना ये ब्लैक वाली भी बहुत तेज़ होने लग गई हैं, क्योंकि जैसे खाना आए ना ये पहली ऊपर पहुंच जाती हैं, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि भाई अगर अभी नहीं खाया तो फिर बाद में भी नहीं मिलना। ये ऑरेंज वाली का नाम तो बता दिया चिंकी मिंकी, अब ना ये जो येलो और वाइट है ना इनका नाम बताएँ कि इनका नाम क्या रखें, ये जो ये यहाँ पर फिर रही हैं। जुहान को मछलियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ऑल टाइम मछलियों के पास ही रहता है। हाँ जी मछी, हाँ जी वाला। अच्छा आपको जुहान इसमें से सबसे प्यारी मछली कौन सी लगती है, कौन सी वाली इसमें से बताओ, इसमें से कौन सी अच्छी लगती है, अच्छी माना। आओ इधर आके बताओ कौन सी वाली मछली अच्छी लगती है, ये वाला ऑरेंज वाला। उसको भी चिंकी मिंकी पसंद है भाई, चिंकी मिंकी पसंद है जुहान को, है ना। बुबू हाँ जी दाज। अच्छा इसकी ना मैंने दराज निकाल दी, क्योंकि जुहान बार बार दराजों को छेड़ के ना ख़राब कर रहा था, तो मैंने ये जो ड्रॉर है ना इसकी दराज निकाल ली, ताकि ये तोड़ ना दे, क्योंकि इसके हाथ में जो भी चीज़ आती है ना फ़ौरन से उसको ख़राब कर देता है। अच्छा यार पैरट्स को ये फ्रूट खिलाने के लिए ना मैं सोच रहा हूँ कि इनके जो दाने हैं ना उनको बाहर निकाल दूँ, क्योंकि अगर नहीं होगा ना ये तो फिर वो उनके पास खाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन रह जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर इनको बाहर निकाल देता हूँ, इनका सिर्फ फ्रूट रख देता हूँ, ताकि वो थोड़ा सा खाने की तरफ इस साइड पर भी ध्यान दें, फ्रूट्स और वेजिस की तरफ। उससे ना एक तो इनकी गर्मी भी इनको कम लगा करेगी, क्योंकि ये हेल्दी फूड होता है ना, दाने भी वैसे हेल्दी होते हैं, बट ये तोतों का ये है कि तोते सारा कुछ खाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ब्रीड ऐसी है कि वो खाएगी नहीं, क्योंकि तो हैं तो ये भी पैरट्स ना, और ये हैं भी बाहर के तो ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिस और ये पत्ते शत्ते खाते हैं। अभी मैंने निकाल दिया इसको, यहाँ पे रख देते हैं। और गाड़ी कल जब फिल्टर वगैरह लेने गए ना तो गाड़ी पे गए थे, और मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका क्योंकि सडन प्लान बन गया था, तो इतना कुछ खास था भी नहीं, बस मैं फ़िल्टर वगैरह लेके आ गया था। दोस्तों अभी मैं पिलाने लगा हूँ जुहान को दवाई, क्योंकि ना उसको ज़ुकाम हुआ है, और जब उसको घर में ज़ुकाम होता है ना तो वो सबको लगा देता है, उसने मुझे भी ज़ुकाम लगा दिया है। अभी हम जुहान को दवाई खिलाने लगे हैं, उसके बाद मैंने भी दवाई खानी है, और फिर हम फिशेस को दाना वगैरह भी डालेंगे। अभी तोतों का भी दाना वापस डालना है, क्योंकि उनका दाना निकाल दिया था, अभी ना वो फ्रूट्स भी ना खाएँ। तो यार ये है फिशेस का खाना, और ये जितनी फिशेस हमारे पास है ना उसके हिसाब से ना एक चुटकी बहुत है, लेकिन मैं एक चुटकी ना थोड़ी थोड़ी करके डालता हूँ, क्योंकि अगर मैं एकदम से डालूंगा ना तो जो नीचे मछलियाँ होती हैं ना उनको उसका टेस्ट नहीं आता, ऊपर से ना इनको नीचे की तरफ टेस्ट आता रहता है। जब तक ये इनको सारों को इकट्ठे टेस्ट नहीं आएगा तब तक सारी इक्वल खाएंगी नहीं, बड़ी वाली जल्दी खा लेंगी क्योंकि उनको टेस्ट भी जल्दी आ जाएगा। तो ये इसको ऊपर उठा लेते हैं और आराम आराम से डालते हैं। ये देखें इसका दाना मैं आप लोगों को दिखा दूँ, इतना छोटा सा होता है दाना इसका, ठीक है। ये मैं वापस डाल देता हूँ और चुटकी भर लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं आराम आराम से डालूँगा, एकदम से डालूँगा ना तो एक ही मछली सारा खा लेगी और दूसरों को टेस्ट भी नहीं आएगा, जब तक टेस्ट पहुँचेगा उनको पानी में तब तक सारा कुछ ख़त्म हो चुका होगा। तो ये अभी भी मेरे हाथ में है,
मैं आराम आराम से एक एक दाना डाली जा रहा हूँ। ये नीचे वालियों को अभी तक टेस्ट नहीं आया, और ये ऊपर वाली देखें सारा इन्होंने मुका भी दिया। तो यही मैं बता रहा था आपको, जितनी देर में इनको टेस्ट पहुँचेगा ना, ये देखें अब ये वाली खा रही हैं जाके। और इनको ऐसा ऐसा पता भी लग रहा है कि हमारा खाना ऊपर आना है, तो सारी ऊपर आ जाती हैं जल्दी से। मैं ना सोच रहा हूँ इनको ना जो वॉर्म्स होते हैं ना, ब्लड वॉर्म्स, वो भी शुरू करवाऊँ, क्योंकि मैंने सुना कि ये वो भी बहुत शौक़ से खाती हैं। लेकिन फिर मुझे ना ये बंद करना पड़ेगा एक टाइम, और वो ब्लड वॉर्म्स खिलाने पड़ेंगे, या फिर मैं वीकेंड में खिला दिया करूँगा, ये कुछ ना कुछ करूँगा इसका। इन ऑरेंज वाली का नाम पता क्या रखा है? क्या? बड़ी जो है चिंकी मिंकी। चिंकी मिंकी एक नाम है ये। एक का नाम चिंकी, दूसरे का नाम मिंकी। अब ये वाइट वाली का इनका नाम सोचना है क्या रखना है। जल्दी से वाइट वाली का नाम बताओ कमेंट सेक्शन में कि क्या रखें। यार रात का टाइम है, ये सारी रेस्ट कर रही हैं। अब इनका ना खाना डालते हैं जो इनका निकाला था, क्योंकि ये इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो देखो उन्होंने हाथ तक नहीं लगाया इसको, सुबह तक यहीं पे पड़े रहने देंगे फ्रूट्स और वेजीज को, और सुबह देखते हैं कि ये खाली होता है या नहीं। वैसे मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा डाल दिया है, शुरू शुरू में शायद ये इतना खाएंगी भी नहीं। सही है, फिर आप लोग सो जाओ, चलो हम भी सोते हैं, रात काफ़ी हो गई है। और एक और चीज़ मैं आपसे पूछना भूल गया, अंदर जाके पूछता हूँ। वैसे तो गाइस पूछना ये है, मैं सोच रहा हूँ एक तो छोटी बकरियाँ लेके आऊँ, और दूसरा मेरा शौक है डक का, तो छोटी ना दो डक्स मेल फीमेल लेके आए, और साथ में मोर के बच्चे भी, ठीक है डक्स को पालेंगे तो साथ में मोर के बच्चे भी पल जाएंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आज के वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। और शूज़ किस लिए थे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैंने जिम ज्वाइन करनी थी, बट अभी बिजी इतना ज़्यादा हो गया हूँ मैं कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मैं जिम ज्वाइन करूँगा या एक्सरसाइज कंटिन्यू रखूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।